अगर आप यूको बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में यूको बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन करेंगे। यूको बैंक में अकाउंट ओपन करने के टोटल यहाँ पे 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसकी वेबसाइट पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी इसकी वेबसाइट पर जाकर अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये वाला एरर देखने को मिल जाएगा और अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा। दूसरा वाला जो तरीका, ये भी वेबसाइट से ही आपको वेबसाइट पर जाना होगा और अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डालना होगा। लेकिन भाई अगर हम किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते तो हम रिक्वेस्ट डालने क्यों जाएं? अगर हम रिक्वेस्ट डालेंगे तो उसमें हफ्ता 10 दिन का टाइम बीत जाएगा और कहीं जाकर कोई बैंक का एजेंट हमारे घर पे आके अकाउंट ओपन करता है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो तीसरा वाला प्रोसेस है वो इसका यूको पे जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके द्वारा आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसमें आपका इंस्टेंट तुरंत के तुरंत अकाउंट ओपन हो भी जाएगा और तुरंत के तुरंत आप मोबाइल बैंकिंग भी यूज करेंगे और तुरंत के तुरंत यहां पे जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी मिल जाएगा, जिससे कि तुरंत आप यहां पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब आप तुरंत के तुरंत यूपीआई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहां पे जो इसका तीसरा वाला प्रोसेस है जो कि यूको पे एप्लीकेशन है, इसके द्वारा हम अपना अकाउंट ओपन करने वाले हैं और इसका जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यूको बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से यूको पे ये जो एप्लीकेशन है सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां पर भी क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप यहां पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे देखेंगे तो यह आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जिसको कि यहां पे आई एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहां पे देखेंगे तो यह आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। ध्यान यह दीजिएगा कि जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर यहां पे डालिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे यहां पर सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को डाल के वेरीफाई करेंगे। अब जैसे यहां पर ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। सबसे पहले यहां पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे जो भी आपके आधार या पैन कार्ड पे, उसके बाद जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल हैं कि फीमेल है, जो भी है यहां पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहां पे ईमेल आईडी बोल रहा है तो यहां पे अपना एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहां पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन टाइप यहां पे पूछ रहा है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आप यहां पे अपना आईडी प्रूफ यहां पे देना चाहते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि पासवर्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर यहां पे वोटर आईडी कार्ड से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या राशन कार्ड, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जो भी अपना आईडी प्रूफ दे सकते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम आधार कार्ड देंगे तो हमने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे यहां पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब देखेंगे तो यहां पे आप जो भी यहां पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए रहेंगे उसका नंबर आपको यहां पे देना पड़ेगा। जैसे कि हमने आधार कार्ड को सेलेक्ट किया तो यहां पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक डिक्लेरेशन आ जाएगा तो यहां पे इसको आप ऑन कर दीजिएगा और उसके बाद नीचे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहां पे देखेंगे तो अब यहां पर आपके मतलब मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को डाल के यहां पे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहां पर एक एम पिन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एम पिन मतलब जब इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो इसी पिन को डाल के लॉग इन करना होगा, ठीक है। 4 डिजिट का बनाना पड़ता है तो यहाँ पे कोई भी अपना 4 डिजिट का एक पिन बना लेंगे, दोबारा से पिन को कंफर्म करेंगे। अब उसके बाद टी पिन आपको बनाना होगा। टी पिन क्या होता है कि मतलब आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब मान लीजिए इसके मोबाइल एप्लीकेशन से आप किसी को पैसे भेजते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक ट्रांजेक्शन पिन आपको डालना पड़ता है, तो वो अलग होता है, ठीक है। तो एम पिन से यहाँ पे मतलब जो आप एम पिन बनाइएगा सेम यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन मत बनाइएगा, कोई दूसरा फिर यहाँ पे 4 डिजिट का एक ट्रांजेक्शन पिन बना लीजिएगा, दोबारा से पिन को कंफर्म करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट एनी वन क्वेश्चन, यानी पे एक वन क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा और उसका आंसर देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन पिन है उसको भूल जाते हैं या एम पिन को भूल जाते हैं और उसको अगर आप फॉरगेट करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करिएगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक करिएगा और उसका आंसर भी बिल्कुल सही सही डालिएगा, ताकि अगर आप पासवर्ड चेंज करें तो आप उसका आंसर करेक्ट यहाँ पे दे सके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे चलिए हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं क्लिक करने के बाद क्या क्या क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। जैसे कि मदर का यहाँ पे बर्थ पहले से आ रहा है, मतलब आपकी माता का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो उसका जगह का नाम डाल सकते हैं, या फिर आपका जो बचपन का कौन सा फ्रेंड है उसका नाम डाल सकते हैं। फेवरेट यहाँ पे मतलब जो भी आपका है फर्स्ट व्हीकल, तो जो भी आपका होगा यहाँ पे क्वेश्चंस कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो उसका आंसर होगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट व्हीकल हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो इसी तरह से अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करिएगा तो उसका आंसर यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो आपसे एक परमिशन मांगेगा, जिसको कि यहाँ पे अलाउ यूजिंग द ऐप, यहाँ पे जो परमिशन मिल रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो वेलकम कर आ चुका है,
तो अभी आपने जो भी एम पिन बनाया है ना, वो वाला एम पिन यहां पे डालिएगा, और एम पिन डालने के बाद यहां पे लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे आप सीधे इसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। अब यहां पे देखेंगे तो यहां से आप ऐड मनी का भी ऑप्शन मिल सकता है, मतलब पैसे ऐड करना हो, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे ही देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इंस्टेंट अकाउंट, यहां पे आप देख सकते हैं, मतलब इंस्टेंट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इसमें नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्लिक हेयर का, आप सिंपली यहां पे क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे कस्टमर टाइप में मिस्टर मिसेस ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पे आप अपना फुल नेम डालेंगे जो भी आपके पैन या आधार कार्ड पे, उसके बाद यहां पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो भी अपने बैंक अकाउंट के साथ आप लिंक कराना चाहते हैं, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नंबर है वही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, रेफरल कोड बोरा इसको आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो इसका टर्म एंड कंडीशन आएगा, जिसको कि यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर मांग रहा, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड का डिटेल्स, जैसा कि आपका नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का डिटेल्स देना होगा, तो यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जैसे पैन कार्ड का नंबर डाला तो यहाँ पर एक कंसेंट आ रहा है, जिसको कि यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे तो मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी आप सिंगल हैं कि मैरिड है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, यानी आप क्या काम करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे कि आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी कि आपका एनुअल इनकम कितना, आप एक साल में कितने रुपए कमा लेते हैं, जैसे कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख, मतलब जितना भी कमाते हैं यहाँ पे आप उसको डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कास्ट पूछ रहा है, मतलब जो भी आपका कास्ट होगा, जैसे कि आप जनरल हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कम्युनिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा, जिसको आप अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं, ठीक है। नॉमिनी के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉमिनी वो होता है कि अगर मान लीजिए आप अपने अकाउंट में पैसे रखे हैं और अगर आपको कुछ हो जाता है, मतलब कि आपको कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पे जो भी आपका पैसा होगा ना वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो कैलेंडर मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद रिलेशनशिप पूछ रहा है कि भाई नॉमिनी आप जिसको बना रहे हो आपके क्या लगते हैं, उससे आपका क्या रिलेशन, जैसे वो आपके फादर है, आपके मदर है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे ब्रांच कोड बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्रांच कोड यहाँ पे मतलब आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनी का पूरा एड्रेस डाल देंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। थैंक यू चूसिंग यूको बैंक, यू हैव सक्सेसफुली ओपन यूको बैंक इंस्टा अकाउंट। और यहाँ पे नाम, हमारा कस्टमर आईडी भी आ चुका है, जिससे कि हम यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। अकाउंट नंबर भी आ चुका है, ब्रांच का भी यहाँ पे देख सकते हैं, कोड, आईएफएससी कोड, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो भी मतलब डिटेल्स वो सब बताया जा रहा है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नीचे यहाँ पे फिनिश कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना एक यूको बैंक में घर बैठे इस जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कोई वीडियो केवाईसी नहीं किया, बिना वीडियो केवाईसी के अकाउंट ओपन हो गया है। लेकिन गाइस यहाँ पे मतलब आप 12 महीने तक तो यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद अपना केवाईसी करा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।